हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसटेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार एसटेट एग्जामिनेशन का डेट आउट हो गया है, जो कि 19 को होने वाला है, 20, 26 एंड 27। ये 4 डेज एग्जामिनेशन होने वाले हैं अगस्त में, तो अब हमें प्रिपरेशन डेडिकेटेड करना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कवर करके ही जाना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन से यूनिट को सबसे पहले कवर करें, और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग कवर कर रहे हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सम टाइम वही से क्वेश्चन आ जाता है, और फिर हम लोग का रिवीजन अच्छे से नहीं रहता है और वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर रहे हैं तो एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन आएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक करें, सो डैट कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ना छूटे। तो जैसे गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 गोल होते हैं, प्राइमरी गोल और एक होता है सेकेंडरी गोल। तो कौन सा प्राइमरी गोल है, कौन सा सेकेंडरी गोल है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हम लोग कवर करके चलेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सब देखकर कवर करके हम लोग चलेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस जनरेशन में आया, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इससे भी इम्पॉर्टेंट है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग, ये दोनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चन करके जाएंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड होते हैं हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कर्नल है, कर्नल जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट एंड कोर कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके टाइप्स होते हैं मोनोलिथिक, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल, एक्सो भी होते हैं, तो ये सब टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कर्नल के। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे हम लोग कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका क्या डायग्राम होता है, क्या क्या स्टेट होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोसेस को करवाते हैं तो सबसे पहले न्यू होता है, उसके बाद वो रेडी में जाता है, और उसके बाद फिर वो रनिंग में जाता है, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि एग्जिट हो जाता है, एग्जिट या फिर टर्मिनेट। अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको करना है, कुछ वर्किंग करना है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ब्लॉक में जाता है, और जैसे इनपुट आउटपुट खत्म हो जाता है उसका किया हुआ, तो फिर वो रेडी में जाता है और फिर वो रनिंग में जाता है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो ये स्टेट के बारे में पूछ दिया जाता है कि कौन सा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी में रहता है, कौन सा स्टेट, तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, पीसीबी है, फिर शेड्यूलर है, इसके टाइप्स होते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और एक मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी काफ़ी इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ शेड्यूलिंग में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एसजीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसमें कि एक प्रीएम्प्टिव होता है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, ये प्रीएम्प्टिव होता है और ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, वैसे ही लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसमें कि ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और ये होता है प्रीएम्प्टिव, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो ये सब न्यूमेरिकल्स इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। उसके बाद है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, रेस कंडीशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, क्रिटिकल्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लॉक वेरिएबल, टर्न वेरिएबल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर है सीमाफोर, सीमाफोर के 2 टाइप्स होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेडलॉक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेडलॉक क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है, उसके कंडीशन क्या होते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, उसकी स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल करते हैं डेडलॉक को, बैंकर्स एल्गोरिदम, डेडलॉक अवॉइडेंस, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये सबसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डेडलॉक से। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है डिस्क शेड्यूल। डिस्क शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग कैसे होता है, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं SSTF। इसके फुल फॉर्म्स होते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग, सी स्कैन, लुक, सी लुक, ये सब के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, स्वैपिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन में फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, और पेजिंग से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। तो गाइज ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक को कवर करके ही जाना है एग्जामिनेशन में, सो डैट के क्वेश्चन ना छूटे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसे में नेटवर्किंग में लेकर आऊँगी जल्द। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।